ये है एप्पल एयरपॉड्स जनरेशन 2 और ये है एप्पल का अपकमिंग एयरपॉड्स बट विथ अ ट्विस्ट। और ये जो आप नॉर्मल वाला एयरपॉड्स देख रहे हो, मैं डेली लाइफ में बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। पहली बार 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन तब से एप्पल ने इसके अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं किया है। बट एप्पल जाना जाता है अपने इनोवेशन के लिए, हर इनोवेशन में ये अपनी उंगली कर ही देते हैं। तो अपने ये एयरपॉड्स कैसे रह गए पीछे भाई? लास्ट ईयर 2023 में एप्पल ने लेजेंडरी धमाकेदार तगड़ा एप्पल विजन प्रो लॉन्च किया। भाई इस प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे कैमराज, इतना सारा डिस्प्ले, इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी। और ये लॉन्च से एप्पल ने पूरे दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज किया, एआर और वीआर डिवाइस कैसा होता है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन अब बारी है एयरपॉड्स की। और ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुका है कि एप्पल नेक्स्ट जनरेशन एयरपॉड्स में डिस्प्ले डालने वाला है। जब मैंने इसको भाई पहली बार देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में कुछ ऐसा डिवाइस एग्जिस्ट करता है। और क्या सच में एयरपॉड्स के अंदर स्क्रीन की जरूरत है? भाई मैं तो 3 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन इस वाले वीडियो में जान लेंगे कि डिस्प्ले की जरूरत है भी या नहीं और आपकी जेब से कितनी हरी पत्तियां निकलने वाली है, सबके बारे में। बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप कमेंट में जाओ और लिखो इसका नाम क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से एप्पल एयरपॉड्स डिस्प्ले अच्छा लग रहा है। मयंक बोल रहा है ये नॉर्मली रखेंगे एयरपॉड्स 3 प्रो। लेकिन सबसे पहले भाई इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी हमें। बॉक्स देखने में तो एयरपॉड्स वाला ही है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ENC, जो मन कर रहा है सब लिख देंगे ये लोग। इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल माल मसाला नहीं है, ये चाइनीज चाचू लोग की क्रिएशन है। सो ये है अपना बड्स, बिल्कुल ओरिजिनल एयरपॉड्स की पैकेजिंग यूज की इन्होंने। ये बड्स निकाल लेते हैं यहाँ से। अरे फ्लैश लाइट भी है क्या इसके अंदर? बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक केबल मिल जाएगा, ईयर टिप्स और नीचे भी कुछ आ रहा है क्या भाई? और नीचे में लव लेटर है चाइनीज में लिखा हुआ और एक लैनयार्ड केबल भी है। पूरा सेट वेट करके भेजा गया है और ये वाले यूजर मैनुअल में पूरी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन की हुई है। मतलब चाइनीज लोग भी सीरियस है भाई कि हमारा माल भी खरीदो, इसको हल्के में नहीं लेने का। यहाँ पे भाई बड्स की क्वालिटी भी काफी सही लग रही, अच्छे से फिट विट कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। और ये जो केबल मिल रही है आपको, ये टाइप सी केबल है, क्वालिटी इसका भी चलेगा। ओके गाइस, तो इस यूनिक से बड्स को मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटा यूज कर लिया और अब दिखाते हैं आपको इस डिस्प्ले का एक्चुअल यूज क्या है। सबसे पहले तो अपने आईफोन से कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली किसी भी एयरपॉड्स को ऐसे ओपन करोगे ना, यहाँ पे पॉपअप आ जाता है। इसके अंदर वो पॉपअप नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ जाके A9 प्रो करके कनेक्ट करना पड़ रहा है। और कनेक्ट होने के बाद इस डिस्प्ले को आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड करके ना बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है और उसमें से सारी फंक्शनैलिटी इन दोनों बड्स को निकालने के बाद काम आती है, जैसे कि फाइंड माय बड्स। अब ये फाइंड माय बड्स जैसे फंक्शनैलिटी आपके आईफोन में होती थी, लेकिन अब ये आपके बड्स के अंदर डायरेक्ट स्क्रीन में डिली हुई है। एक बार कोई गाना प्ले करते हैं, वॉल्यूम फुल, अपने बड्स में भी गाना चल रहा है। यहाँ से मैं पॉज एंड प्ले कर सकता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट भी हो जाएगा आराम से, फिर नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और वॉल्यूम यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। आईफोन में भी देख सकते हो वहाँ पे भी कम हो रहा है। और ये बड्स में से आप नॉइस कैंसलेशन कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ट्रांसपेरेंसी मोड है, ये ANC है और ये है नॉर्मल। अब देखो ये वाला बड्स तो एक्चुअल में ओरिजिनल बड्स नहीं है, तो बहुत परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। लेकिन इमेजिन करो मेरे पास प्रोटोटाइप नहीं है और ऑफिशियली लॉन्च एयरपॉड्स है, तो भाई कितना परफेक्ट काम करने वाला है। इवन कि इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत सही काम करेगा। बट एक बात करना पड़ेगा, चाइनीज चाचू लोग ने भाई इम्प्लीमेंट बहुत सही किया है। इसके बड्स के पीछे ये वाला बटन है, ऑन ऑफ के लिए भी यूज हो रहा है। भाई गाना प्ले करते दोबारा से, अब देखो डिफरेंट इक्वलाइजर मोड ट्राई कर रहा हूं मैं यहां से, पॉप, क्लासिक, जैज। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे लगा था भाई क्या ही काम आएगा ये डिस्प्ले, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको यूज करना शुरू किया एक्चुअल में भाई बहुत तगड़ा काम कर रहा है, जस्ट लाइक एक एयरबड्स का एप्लीकेशन आपके चार्जिंग केस में। और ये चीज इतनी कन्वीनियंट नहीं होती है आपके मोबाइल से, मतलब आप मोबाइल से कितनी बार इक्वलाइजर मोड चेंज करते हो? मुझे लगता है साल में एक बार, लेकिन बड्स के थ्रू दिन में 10 बार। और इस डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी यहाँ पे खत्म नहीं हुई भाई, अगर आपके फोन पे कोई कॉल आता है तो आपके बड्स पे भी दिखाएगा। दिस इज क्रेजी भाई। अभी तो एनिमेशन उतना सेट नहीं है, लेकिन जब एप्पल इसको बिल्ड करेगा एनिमेशन ही बहुत मस्त आएंगे। यहाँ से उठाता हूँ, कॉल रिसीव हो चुकी है और ट्रांसफर हो गया। हेलो भाई आवाज आ रही है? पहले म्यूट कर देता हूँ भाई, म्यूट हो गया। अरे हाँ भाई, मोबाइल के अंदर म्यूट नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये म्यूट हुआ है। कॉल काटते तो मोबाइल पे कटता है कि नहीं देखते। 1, 2, 3 कट गया। भाई क्या तगड़ी चीज है ये। एक्चुअल मुझे भाई टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रेम है और ऐसे टेक देख के ना मेरे अंदर का ऐसे एक्साइटमेंट जाग जाता है। वैसे इतने देर हम लोग डिस्प्ले यूज कर रहे थे, हल्का हल्का ये डिस्प्ले की तरफ से हीट हो रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ, जब एप्पल इसको एक्चुअल में अपने ऑफिशियल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करेगा तो क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जो आप डिस्प्ले का बेजल देख रहे हो, ये बेजल आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ना, हल्का सा ज्यादा मोटा फील करा रहा है, डिजाइन में फिनिशिंग मिलेगी क्योंकि एप्पल यहाँ पे OLED डिस्प्ले यूज करेगा और OLED डिस्प्ले
बहुत ही पतली होती है, प्लस OLED डिस्प्ले हीट भी कम करती है और स्पेस भी कम लेगी, तो बहुत ही फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा एंड फीचर्स ऑलमोस्ट इसी की तरह सिमिलर रहने वाले हैं। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा एप्पल इसके बैटरी को कैसे कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले भाई बहुत ज्यादा बैटरी खाता है। तो डेफिनेटली एप्पल मस्त वाला सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करेगा, लेकिन ये चाइनीज लोग भी पीछे नहीं है भाई। देखो जैसे आप इसका लॉक स्क्रीन खोलते हो ना, यहाँ पे आपको बैटरी, टाइमिंग, कनेक्टिविटी सब चीज दिखा देता है। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे भारतीय सच्चे इंसान सबकी तरफ सोचूं भाई, कि क्या हमें इस नगीनी की जरूरत है, क्या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर एक प्रॉब्लम बना के उसको ही सॉल्व किया जा रहा है, मुझे लगता है ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों एप्पल के लिए ऑप्शन ए है, मतलब कि एप्पल का एक नया तरीका है पैसा बनाने का। टिम कुक, आई गॉट यू ब्रदर। एज अ ब्रांड भाई, सारे ब्रांड के पास पूरा पूरा हक है कि पैसा बनाए। हम भी अपने यूट्यूब चैनल में इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ ढूंढ के पैसा कमाते रहते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे एप्पल दोस्तों हमें कॉपी करके एक नया तरीका निकाला है पैसा कमाने का। अब देखो ये जो करंट एयरपॉड्स मार्केट में, इसकी प्राइस 26,000 रुपए, डिस्काउंट के बाद 20 का मिलता होगा वो साइड में। अगर एप्पल ऐसे इनोवेटिव डिस्प्ले के साथ इसको लॉन्च करता है तो डेफिनेटली 26 वाली प्राइस ऊपर चढ़ के जाएगी 32,000 रुपीज तक। यूएस में लॉन्च होगा $30 में, इंडिया में बिकेगा 32,000 में। बट एप्पल को ये डिस्प्ले एड करने में मुश्किल से मुश्किल 1,000 से 1,500 रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा, मतलब भाई प्रॉफिट 3,500 से 4,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा आने वाला है एप्पल के जेब में। और ये उतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, बट भाई कूल इनोवेटिव टेक फ्रेंडली टेक हेड एप्पल प्रोडक्ट, न्यू एप्पल एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन, यो सब लग रहा है भाई। बस एक ब्लैक कलर भी लॉन्च करी तो भाई इतना कर दिया। तो ऑल इन ऑल इस डिस्प्ले का मुझे उतना बड़ा यूज केस फील नहीं हुआ, क्योंकि भाई मेरे पास एप्पल वॉच है। नॉर्मली किसी पास अगर एयरपॉड्स है तो आईफोन तो होगा ही होगा, भाई हर चीज यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, बस बैग में से निकालने का एक्स्ट्रा खर्चा है। और अगर फोन यूज नहीं भी करना है तो भाई सारा जेस्टर, सारा कंट्रोल यहीं पे तो है। यहाँ से नीचे करके वॉल्यूम नीचे कर लिया, वॉल्यूम ऊपर कर लिया, नेक्स्ट, प्रीवियस, सब तो कर ही लेते हैं ना भाई, तो जरूरत क्या है इसकी। टाइम जानना है, हे सिरी टाइम बताओ, अच्छा चल रहा है। और अगर बात करते हैं अपने प्रोटोटाइप के बारे में, देखो भाई इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, 2,000 रुपए के हिसाब से इसके अंदर एग्जैक्ट सिमिलर डिजाइन मिलता है किसी भी एक ओरिजिनल एयरपॉड्स के सामने। साइड बाय साइड इसका बॉडी देख सकते हो, या फिर इसका लैनयार्ड का ये जो पोर्ट है, या अगर मैं दोनों ही पॉड्स से बड्स निकाल देता हूं तो आप कोई भी डिफरेंस गेस नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट सिमिलर डिजाइन आया है यहाँ पे आपको, इवन कि इसके अंदर ये एयरपॉड्स वाला स्क्वीज है, मतलब इसे सारा टच कंट्रोल होता है। एयरपॉड्स के अंदर आपको ऐसे दबा के टच कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा टैप नहीं होता है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इतना ज्यादा सिमिलर है ना भाई कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा वाला किसका था, बट असली वाले में ऐसे रंग लगा हुआ है। और इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं, एक्चुअल में आई एम सरप्राइज्ड। अभी मैं आपको गाना सुन रहा हूँ यहाँ पे, ऑफकोर्स आप 26,000 रुपए वाला साउंड क्वालिटी मत एक्सपेक्ट करो, बट डेफिनेटली 2,000 रुपए में बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी है। एक दो गाना और चलाते हैं, बादशाह का ये गाना बहुत अच्छा है भाई, डाकू। बेस भी काफी अच्छा है, हल्का सा आपको बेस कहीं ना कहीं फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 70% के अराउंड वॉल्यूम रखते हो तो गाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसको आप आराम से यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। इवन की देखो गाना प्ले कर रहा हूँ अभी मैं, बट्स मैंने निकाला कान से, ये पॉज हो गया, दोबारा पहना मैंने, प्ले हो गया। इसके अंदर वियर डिटेक्शन भी है यहाँ पे भाई, वॉल्यूम टच भी है इसके अंदर, देखो नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं वॉल्यूम भी हो रहा है मस्त, ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज इनसेन एंड क्रेजी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा इशू है कि बहुत ज्यादा अगर आप इसका डिस्प्ले यूज करोगे तो इसकी बैटरी लो हो जाती है। वैसे एक बट फुल चार्ज पे अराउंड 6 to 7 hours चल जाएगा, और अगर आप इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे तो बहुत सही और तगड़ा काम करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसे एक्सक्लूसिव अपकमिंग टेक यूज करना है, इसको आप खरीद सकते हो, सही काम कर रहा है, मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूं। प्लस अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप एक्चुअल में 30,000 वाला खरीदोगे तो एक बार 2,000 वाला खरीद लो, चेक कर लो कि क्या एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत एड ऑन कर रहा है, आप फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। और जिसका बाइंग लिंक होगा हमको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप क्लिक करके खरीद सकते हो। मैंने वहीं से मंगाया भाई और मेरे पास तो आ गया। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को इतना रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।